नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अलोवा इंस्टेंट ऑन जो क्लाउड पे आपका पोर्टल बनता है, उससे आप क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, क्या 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 हम कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या कुछ चीज़ों को हम ब्लॉक कर सकते हैं कि यूज़र इन चीज़ों को एक्सेस ही ना करे। क्या ऐसी फैसिलिटी भी हमारे अलोवा इंस्टेंट ऑन जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें प्रोवाइड करता है, ये हम आज आपको देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसके लिए अपने अरूबा इंस्टेंट ऑन पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन कीजिए। जो भी आपकी रजिस्टर्ड आईडी है, इससे आप लॉगिन कीजिए। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे अपने नेटवर्क सेगमेंट के अंदर और सबसे पहले हम चेक करेंगे आर्ट ऑफ इंजीनियर्स जो हमने वाईफाई बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हम और कर सकते हैं। देखिए, एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप सबसे पहले जब देखेंगे तो आपको डीडीएस सर्वर पता चलेगा, जो कि आपको सिक्योरिटी की सेटिंग्स प्रोवाइड करता है कि अगर आप डीडीएस सर्वर यूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके लोकल में है तो आप यहाँ पे उसका आईपी डाल दीजिए, अगर क्लाउड पे है तो आप यहाँ पे उसका डोमेन नेम डाल दीजिए, और जो भी सीक्रेट पासवर्ड है वो आप यहाँ पे रखिए ताकि आपका जो अरूबा का डिवाइस है वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सेकेंडरी सर्वर भी ऐड करना तो आप इसको भी चेक बॉक्स करके एक और सर्वर की डिटेल यहाँ पे यही चीज़ें डाल सकते हो कि सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, सर उसका सीक्रेट पासवर्ड क्या है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि दोस्तों अब क्या होगा, ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपके जो भी यूज़र ऑथेंटिकेट होंगे वो सबसे पहले आपके डीडीएस सर्वर से जाके ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक ऑप्शन और देखेंगे, नेस नेटवर्क एक्सेस एट्रीब्यूट नेस आईपी एड्रेस द ऑप्शन विल ऑप्शन बिलो डिटरमाइन द रेडियस ऑथेंटिकेशन बिहेव अक्रॉस द नेटवर्क। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, कि अगर आपके नेटवर्क में कोई शेयर फोल्डर है या कोई नेस ड्राइव है या कोई इंसान स्टोरेज है, उसके ऊपर आपका यूजर्स हैं वो कैसे लॉग इन करेंगे, वो आपके यूज़र आईपी से करेंगे या सिंगल डिवाइस आईपी से करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वहाँ पे सेटिंग बता रहा है। अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो आपका वाईफाई 6 जो है वो अनेबल्ड है, 2.4 to 4.5 GHz बोथ नेटवर्क्स आर अनेबल्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग को एनहेंस करना चाहते हैं कि आपका जो वीडियो का ट्रैफिक होता है उसको प्रायोरिटी मिले तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बैंडविड्थ की लिमिटेशन को लिमिट करना चाहते हैं बैंडविड्थ को, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और कितना उसको लिमिट करना चाहते हैं, 5 Mbps, 1 Mbps या 10 Mbps, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके बाकी के जो भी ट्रैफिक है यूज़र्स का वो भी चलता रहे और आपका जो आपकी वीडियो है स्ट्रीमिंग है वो भी अच्छे से चलती रहे। अगर आप बैंडविड्थ रिडक्शन बाय नेटवर्क करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पूरा सेटअप कर सकते हो कि कितने Mbps का आपको अपलोड स्पीड मिले, कितने Mbps की आपको डाउनलोड स्पीड मिले। जैसे कि एक कंपनी में अलग अलग नेटवर्क होते हैं, कोई गेस्ट नेटवर्क है, कोई यूजर्स का नेटवर्क है, सर्वर साइड का नेटवर्क है, मल्टीमीडिया का नेटवर्क है, तो आप हर नेटवर्क को आप यहाँ से बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज और लिमिट कर सकते हो। शेड्यूल शेड्यूल के अंदर तो आपका नॉर्मली सिंपल है कि आप कब चाहते हो कि कब से कब एक्टिवेट रहे, अगर आप चाहते हो पूरे दिन एक्टिवेट रहे, वीकेंड या मंथ एंड पे एक्टिवेट रहे, या पर्टिकुलर टाइम टू टाइम उसको एक्टिवेट रखना चाहते हो, तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। नेटवर्क एक्सेस अभी तो आपका जो है बाय डिफॉल्ट ये आपका अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है, वायरलेस क्लाइंट विल एबल टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन। ठीक है, वो कहीं पे भी जाके चेक लॉग इन कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो वो आप आईपी एड्रेस आप यहाँ डाल दो जिस पे आपके यूज़र्स उन्हीं आईपी को एक्सेस कर पाएंगे, इसके अलावा किन्हीं भी आईपी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क सेगमेंट के अंदर आप डिवाइसेस कौन कौन से डिवाइसेस एक्सेप्ट कर सकता है कनेक्शन,
तो सारे के सारे डिवाइस ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा देखो दोस्तों, सबसे बढ़िया फैसिलिटी जो यहाँ पे मिलती है हमें, वो मिलती है कि जो भी ट्रैफिक हमारा जा रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिखाई दे देता है कि किस किस कैटेगरी के अंदर आपका कितना डाटा क्या है। अगर आप चाहते हो कि आप घर पे आए, जैसे बच्चे स्ट्रीमिंग ना करें, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, अडल्ट कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट, गेमिंग, ये सब अगर आप घर में ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ को सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही अप्लाई करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे चलनी बंद हो जाएंगी आपके नेटवर्क के अंदर। तो दोस्तों, ये सारी सेटिंग्स हमारी एडवांस सेटिंग्स हैं जो हमें अरूबा क्लाउड इंस्टेंट ऑन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा उस कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।